150 अधिकार है। जहां जहां बैठ के कानून बने हैं ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिकार है। महाराष्ट्र में 56 राइट्स हैं कमिश्नर को, उसमें से फर्स्ट राइट है आपको एक साल की जेल भेजना, दूसरा राइट है आपकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लेना। चल अचल संपत्ति में क्या है? चल संपत्ति में गाड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक में लॉकर में रखे हुए गहने हैं, वो सब जब्त करने का अधिकार कमिश्नर को है। अचल संपत्ति में घर है, बंगला है, खेत है, खलिहान है, वो सभी जब्त करने का अधिकार कमिश्नर को है। और न सिर्फ जब्त करने का अधिकार है बल्कि उसकी नीलामी कर देने का अधिकार भी उसको है। इतने राइट्स हैं और ऐसे ऐसे 56 अधिकार हैं। मैंने आपको कहा ना, लॉरी को रोक लेने का, लॉरी के सामान को जब्त कर लेने का, ट्रक ड्राइवर को जेल भेज देने का, ट्रक ऑपरेटर को जेल भेज देने का, ऐसे 56 अधिकार कमिश्नर को है महाराष्ट्र में। और अन्य अलग अलग राज्य में अलग अलग है। मैंने आपसे कहा ना, कर्नाटक में 108 अधिकार, उनमें यहां से भी ज्यादा। और सभी राज्यों में अलग अलग कानून बनाए हैं, एक रूपता कहीं भी नहीं है। कोई राज्य में कोई वस्तु पे 4% वैट है, दूसरे राज्य में उसी वस्तु पे 12.5% वैट है। कोई राज्य में कोई वस्तु पर 12.5% है, दूसरे राज्य में उस पर 4% है। इतनी ज्यादा अलग अलग भिन्नताओं के आधार पर यह कानून बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वालों को। आपका वस्तु आप मंगाते हैं दिल्ली से, सपोज 12.5% वैट है, वही वस्तु यहां बेच रहे हैं उस पर 4% वैट है, या यहां से वस्तु आप भेज रहे हैं दिल्ली जिसमें 4% वैट है, दिल्ली में 12.5% वैट है, बहुत तकलीफ आने वाली है। सरकार ने कहा यह था कि होमोजीनियस करेंगे, लेकिन होमोजीनियस हुआ नहीं। सब राज्य अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डबली अपना अपना राज बचा, इसमें बहुत तकलीफ आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वाले। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए आप टैक्स ज्यादा पे कर दिया गलती से, आपसे गलती हुई, आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, होता है 10,000 रुपए, आपने 20,000 भर दिया, तो आप शिकायत करेंगे हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है। कमिश्नर उसको चेक करेगा, बात सही पाई गई तो 10,000 रुपए आपको वापस होना चाहिए। कमिश्नर वापस नहीं करेगा, वो अगले साल एडजस्ट करेगा, अगले साल एडजस्ट करेगा। माने अगले साल जब आप टैक्स भरें तो उसमें 10,000 कम भरना, वापस नहीं देगा। एक, अब इसका उल्टा है, अगर आपने टैक्स कम भरा, 20,000 रुपए टैक्स निकलता है और आपने 10,000 भरा, तो 10,000 कम भरा, अगर कम भरा है तो कमिश्नर उस पर आपसे ब्याज लेगा और पेनल्टी अलग से लेगा। और ब्याज कितनी है महाराज जी? 2% पर मंथ, 2% प्रति माह। जो सूद खोर लेते हैं वो ब्याज की दर है, 2% साल का नहीं, महीने का, 100 रुपए पे 2 रुपया हर महीने। आपने ज्यादा दे दिया, सरकार वापस करने को तैयार नहीं है, एडजस्ट करेंगे, आपसे कम आया है तो पेनल्टी भी लेंगे और ब्याज सहित वसूलेंगे। और किसी केस में मान लीजिए आप कमिश्नर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गए, कोई मामला ऐसा बना जिसमें आपने आर पार की लड़ाई लड़ने का तय किया, कमिश्नर के खिलाफ आपने केस किया, चांस की बात आप ट्रिब्यूनल में जीत गए, कल्पना करो आप जीत गए, कमिश्नर हार गया, तो जो जीता हुआ जजमेंट है वो सेट असाइड करने का राइट कमिश्नर को है, जीते हुए मामले को नहीं लागू करने का अधिकार उस कमिश्नर को। फिर आप क्या करेंगे? हाईकोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट में प्रोविजन बना दिया है इसमें वो ये कि आप हाईकोर्ट में अगर जाना चाहते हैं केस को लेकर, तो हाईकोर्ट सबसे पहले ये कहेगा कि आपका जितना टैक्स है पहले भर दो, फिर आपका मुकदमा स्वीकार किया जाएगा सुनवाई के लिए। केस ही एडमिट नहीं होगा जब तक आप पूरा टैक्स नहीं भर देते। आपने मान लीजिए भर दिया टैक्स, 3 साल मुकदमा चला, 3 साल में आप जीत गए और सरकार हार गई, कमिश्नर हार गया, तो जीता हुआ आपका पैसा माने रिफंड मिलना चाहिए, वो भी एडजस्ट। और अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे तो सरकार आपको वापस करेगी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट है 5% पर एनम और आपसे लेगी 2% प्रति महीना खींचेगी।
ऐसी हराम खोरी जिसका नाम सबसे ज्यादा दुख की बात है, अपने ही राजा हमारे साथ इस तरह की हराम खोरी कर रहे हैं। बाहर वाला कोई आके ये करे तो एक बार को दिल गवाही देता, चलो बाहर वाला है, लूट करने के लिए आया है, यही धंधा है उसका। हमारे द्वारा चुना हुआ सरकार ही हमारे साथ ये हराम खोरी कर रहा है। और ये हराम खोरी हो गई उसका एक ही कारण है, जो महाराज जी ने कहा ना, सब सो रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट सो रही है। लोगों की तो बात छोड़ दो, पार्लियामेंट सो रही है, असेंबली सो रही है। जिस असेंबली में बहस होनी चाहिए थी कोई बहस नहीं हुई, संसद में बहस होनी चाहिए कोई बहस नहीं हुई, इसलिए ये हो गया, इतना खराब कानून लागू हो गया। नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज और बताओ, अगर आप धंधा करते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपको जो कैश मेमो देंगे अब तो वो कंपलसरी है। 10 पैसे का भी माल बेचेंगे तो आपको कैश मेमो फाड़ना है, रसीद देनी है, डॉक्यूमेंट देना है, उस पर क्या क्या चीजें लिखनी है वो जरा देखिए। सरकार कह रही है ना बहुत सरल हो जाएगा, अभी कैश मेमो में महाराज जी 20 माहिती देनी पड़ेगी, एक कैश मेमो 20 माहिती भरनी है आपको। क्या भरना है? टैक्स इनवॉइस वर्ड्स एंड नंबर, जो टैक्स इनवॉइस मिलेगा ना उसको जो शब्द लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, और जो नंबर है आपका वो। दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस। तीसरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। चौथा जो परचेजर है उसका नाम एड्रेस के साथ। मैं आपसे 50 पैसे की एक पेंसिल खरीदने आया, अभी मेरा नाम भरो पूरा उससे, मेरा नाम राजीव दीक्षित, मेरा पता सेवाग्राम आश्रम वर्धा, फोन नंबर 28441, सेल नंबर ये, ईमेल तो ये, अभी इतना, मुझे 50 पैसे का पेन लेना है आपसे, भरो ये सब। अभी आप धंधा करोगे कि वो भरते बैठोगे कैश में? अब 20 माइटी ऐसे ये तो भरनी है। अब महाराज जी जरा कल्पना करो, आप शाम को 5 बजे का समय है जिस समय सबसे ज्यादा ग्राहकी होती है, कल्पना करो, और 10 ग्राहक आ गए एक साथ कुछ, अब सबका भरते बैठो आप। मैंने इसको भर के देखा, एक ग्राहक का भरने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट जाता है। 5 ग्राहक खड़े हैं तो 2.5-3 का 30 मिनट तो गया, उतने में एक ग्राहक कहेगा अरे यार ये धंधा कर रहा है कि अपना भरते, वो दूसरी दुकान में गया। लेकिन दूसरी दुकान में भी उसको यही समस्या है, तीसरी दुकान में आप तो ग्राहक गया आपके यहां, क्योंकि ग्राहक जब आता है वो घाई घाई में होगा, लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मुझे ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ये कर। अब आप भरते तुम्हारा नाम क्या है, क्या मतलब तुमको मेरे, तुम्हारा पता क्या है, क्या मतलब तुमको मेरे पते, तुम्हारा फोन नंबर क्या है, सेल नंबर क्या है। वो बेचारा कहेगा ये जरूर खुफिया विभाग का आदमी है, मेरे बारे में माहिती देना चाहता, वो भाग जाएगा। क्या जरूरत है ये सब तमाशा कर, दुनिया के किसी देश में ये सब नहीं, यहां पर इतना जबरदस्ती है। और ये करने का एक ही कारण है महाराज जी, व्यापारियों पर सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं, उद्योगपतियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ये सरकार कितनी हरामखोर है। मैंने एक वित्त मंत्री को ये कहा था, वो बोला नहीं इस पर। मैंने कहा देखो जितने व्यापारी और उद्योगपति हैं सबके सब फोकट में तुमको टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं, फोकट में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देने वाला तो मैं हूं, ग्राहक, कलेक्ट करने वाले आप हैं, और सरकार के खजाने में भरने वाले आप हैं। माने भारत की सरकार को, भारत के खजाने को बिना एक पैसा लिए हुए सेवा देने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग। हर साल 7.5 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स भरता है सरकार के खजाने में, ये तो व्यापारी लोग देते हैं, एक पैसा भी सरकार से पगार नहीं लेते। उस व्यापारी के ऊपर इतना अत्याचार जो फोकट में आपको सर्विस दे रहा है, वरना सरकार की औकात नहीं है टैक्स कलेक्ट कर सके। अगर व्यापारी सरकार से असहयोग करना शुरू कर दे महाराज जी, सरकार एक मिनट में गिर जाएगी, इसमें दम नहीं है टैक्स इकट्ठा करने की। पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट लग जाए तो वैट कलेक्ट नहीं कर सकता इस देश में। ये तो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, जो बिना एक पैसा लिए चुपचाप अपनी सेवा दे रहा है,
सरकार को उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके सरकार उसको चोर बेईमान डकैत कहती है। इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है। बिना एक पैसा लिए हुए 7.5 लाख कोटी रुपए हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है, और सरकारी विभाग का प्रधानमंत्री एक बार ये बोला है कि मेरे पास जो टैक्स का पैसा आता है उसमें 85% लीकेज होता है। लीकेज कहां होता है? पैसा जमा होने के बाद, माने टैक्स कलेक्टर ऑफिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में 85% लीकेज होता है। माने व्यापारी और ग्राहक ईमानदारी से पूरा पैसा सरकार को दे देता है, लीकेज जो है सरकार के सिस्टम में है। ये बात राजीव गांधी ने कही थी, किसी और ने नहीं कही। और उसने कहा कि लीकेज इतना जबरदस्त है कि मैं एक रुपया वापस अगर देता हूं खर्चा करने के तो 15 पैसा ही खर्च होता है। इतना बड़ा लीकेज जिस सिस्टम में हो, और वो सरकार अपने को हरामखोर ना माने, सामने वाले को हरामखोर कहे, जो बिना एक पैसा लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए खजाने में उसको जमा कर रहा है, तब मैं व्यापारियों से कहता हूं कि अभी कितना बर्दाश्त करोगे आप? एक सीमा होती है ना, सहन करने की एक सीमा होती है। अब तक आप 58 साल से गालियां खाते आए टैक्स ऑफिसर की, चोर बेईमान लुच्चा लफंगा, जो भी कुछ उनको कहना था वो सब उन्होंने कहा। आपके ऊपर 58 साल में कितने झूठे झूठे केस बनाए हैं। मैं तो हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस पढ़ता रहता हूं। 100 केस अगर महाराज जी करता है डिपार्टमेंट तो 98 में डिपार्टमेंट हारता, 2 में ही जीतता है डिपार्टमेंट। इसका माने फैब्रिकेटेड होते हैं सब, झूठ मूठ के बनाए हुए केस होते हैं, नहीं तो जीतता क्यों नहीं है डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स का तो सक्सेस रेट जो है ना 2% है, 2% 3%। मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं उसको पूछता हूं तुम साल में जितने केस करते हो जीतते कितने हो, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा, फिर क्यों करते हो? तो कहता ऊपर से आदेश है करने के लिए, माने हैरान परेशान करना है। और हैरान परेशानी कैसी, न्यूसेंस कैसा, रात के 2 बजे आपके घर में घुस जाना, सोते हुए लोगों को उठा देना, कहना सब बाहर जाओ, आपका कैश बॉक्स चेक करना, ज्वेलरी बॉक्स चेक करना, आपके गद्दे के नीचे कुछ रखा हुआ है गद्दे को फेंक देना, तकिए के अंदर छुपा हुआ है उसको फेंक देना, आपके रसोई में घुस जाना, रसोई में जो आपका आटा रखा हुआ है गेहूं का उसको उलट देना, दाल के डिब्बे को उलट देना, इस तरह का न्यूसेंस इस देश में करते हैं ये सब टैक्स ऑफिसर, और आप सब खामोश होकर बर्दाश्त करते रहते हैं। ये इसलिए हो पा रहा है कि आप खामोश होकर बैठे हैं, तो उसको और हिम्मत बढ़ रही है, और हिम्मत बढ़ रही है। जिस दिन हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्योगपति ने टैक्स ऑफिसर को बंद करके पीटना शुरू कर दिया, उस दिन ये न्यूसेंस खत्म हो, और ये न्यूसेंस हमने खत्म किया है। आप कभी उत्तर प्रदेश में आएंगे जहां वैट के खिलाफ सबसे ताकतवर अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी माहिती आपको है, लेकिन एक माहिती मैं आपको दे दूं कि व्यापारियों में सबसे ज्यादा एकता अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। हमने वैट के खिलाफ अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में, पहली सभा वाराणसी में हुई, उसकी वीडियो सीडी बनी, ऑडियो सीडी बनी, 1 हफ्ते के अंदर 40,000 सीडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे उत्तर प्रदेश विद इन 1 वीक। सबको माहिती हो गई कि बैट में इतनी खराबियां हैं। उसके बाद सरकार के जितने अधिकारी गए, जितने नेता गए, सभी को मार पड़ी। जिसने भी बैट के समर्थन में भाषण किया उत्तर प्रदेश में, सबको मार पड़ी, इंक्लूडिंग सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश जो प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी हैं। ये जब बैठ के समर्थन में सभा करते हैं तो जूते इनको मारे, लोगों ने मुंह काला कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, भाग गए वहां से। और अब हिम्मत नहीं है सरकार के किसी अधिकारी की, तो छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में आके बैठ के समर्थन में व्याख्यान करने की। उत्तर प्रदेश में बहुत खराबियां हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा है कि व्यापारियों में एकता जबरदस्त है, और जब व्यापारी वहां एक होते हैं तो बीजेपी कांग्रेस भूल जाते हैं। तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू सीपीएम का, मैं सीपीआई का, कुछ नहीं, अभी हम व्यापारी हैं। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना सीपीएम, ना सीपीआई, अभी व्यापारी हैं, अभी उद्योगपति हैं, पहले हम हमारा काम करें। उनकी एकता ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव पिछले साल से चिल्ला रहा था मैं बैठ लाऊंगा, बैठ लाऊंगा, बैठ लाऊंगा, अब कहता मैं बैठ नहीं लाऊंगा, कान पकड़ता बैठ नहीं लाऊंगा, और ये कहता है कि जब तक व्यापारी हां नहीं करेंगे तब तक बैठ नहीं लाऊंगा। तो
आप अगर खड़े हो जाए तो क्या हो सकता है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा था। उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और हमारे भी उत्तर प्रदेश के व्यापारी संघ ने क्या किया, उन्होंने एक पूरा महामंडल बना दिया, सब संघ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने स्टीकर बनाए, स्टीकर दुकानों में लगा दिए और हर स्टीकर में लिखा है सावधान, कोई भी वैट ऑफिसर दुकान के अंदर प्रवेश ना करे, नहीं तो नीचे लिखा है 440 वोल्ट का करंट लग सकता है, साफ लिखा है उस स्टीकर। फिर दूसरा स्टीकर, दूसरा स्टीकर क्या है, अगर किसी टैक्स ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो व्यापारी महामंडल के अधिकारी को लेकर आए तो दुकान में घुस सकता है, अदरवाइज छूना नहीं, दुकान के दरवाजे पर चढ़ना नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक दो बार क्या हुआ, ये अधिकारी तो थोड़े से वो होते हैं ना, हाँ हाँ, पुलिस को लेके गए, बहराइच में हुआ, बहराइच तो बहुत छोटा सा गांव है, वहां तो कुछ वैट अधिकारी माने टैक्स ऑफिसर माने सेल्स टैक्स ऑफिसर पुलिस के साथ घुस गए। व्यापारियों ने क्या किया, दरवाजा बंद किया और जो मारा उनको पूरी तरह से हाथ पैर तोड़ दिए और FIR भी सबसे ज्यादा के पहले दर्ज करा दिया कि ये बिना अधिकार के हमारे दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे, सारे अधिकारी जेल गए, सब सस्पेंड हुए। उस दिन से अभी अधिकारी ऐसे ऐसे कांपते हैं। वहां अधिकारी अगर सर्च करने भी आया है तो जब तक व्यापारी महामंडल का कोई अधिकारी उसके साथ नहीं है और उसके पास लिखित उसका आदेश पत्र नहीं है, घुसने नहीं देता कोई, मारते हैं बुरी तरह से, वो केसलेस जो होता होगा पहले पीटते हैं और पीटने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है, ऐसे हथियार रखे हुए जिनसे अंदर चोट आती है बाहर नहीं दिखती, ऐसे हथियार जैसे हॉकी, हॉकी स्टिक से आप जब पीटोगे तो बाहर कुछ नहीं दिखेगा, अंदर आपका पांव टूट जाएगा, हॉकी से पीटेंगे। और वो मोटा डंडा होता ना जिसको घुमाते हैं ताकत लाने के लिए वर्ष, वो डंडे से मारते हैं, वो हॉकी से पीटते हैं, चाकू छुरी नहीं चलाते उसमें तो बाहर से देखते हैं और खूब पीटते हैं, फिर जाके FIR करते हैं कि ये बिना अधिकार घुसा था चोरी करने के इरादे से, अभी अधिकारी सब काम है। और जब से ये हुआ अधिकारियों ने कहा हम बैट नहीं लगा सकते, मुख्यमंत्री को कह दिया हम नहीं कर सकते, हम सरेंडर करते हैं, मुख्यमंत्री ने फिर सरेंडर कर दिया, उत्तर प्रदेश में बैठ गए और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री ने धमकी दिया कि तुम बैट नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारा केंद्र का मदद बंद कर देंगे, तो उसने कहा वो मंजूर है, मैं बैट नहीं लगा रहा, केंद्र की मदद ना आए मंजूर है, मुझे राज्य चलाना है शासन चलाना है, मैं बैट नहीं लगा सकता। फिर उत्तर प्रदेश को देख के पांच राज्यों में हिम्मत आया, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन्होंने भी मना किया, तीन और राज्यों में हिम्मत आई, ऐसे अभी आठ राज्यों में नहीं है क्योंकि उनमें थोड़ी जागृति आई है। आप भी अगर थोड़े जागरूक हो जाएं तो ये जो लगा हुआ बैट है वापस हो सकता है। आप कहेंगे जी क्या वापस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए कोई भी कानून अगर संसद बनाती है या विधानसभा बनाती है तो वही संसद और विधानसभा उसको वापस भी मिलती है। महत्व यह है कि आप में संगठन शक्ति कितनी है और आपको इस कानून का विरोध करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा कि आपको टैक्स भरना है, यह समस्या नहीं है, समस्या दूसरी, आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों टैक्सेबल हो गई है और सरकार की नजर में है, माने आप थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे, माने धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो मंदिर और मंदिरों से जुड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएंगी और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आघात धर्म पर ही होगा। चाणक्य ने महाराज जी बहुत सुंदर वाक्य कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है, अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो धर्म पालन नहीं होता, भूखे लोग मंदिर नहीं बनाते और भूखे लोग भजन भी नहीं करते, पेट भरा हुआ होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, तब मंदिर बनते हैं, तब मठ बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक काम होते हैं। तो अर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा, अर्थ जितना कमजोर होगा धर्म उतना कमजोर होगा। भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फैलती थी, भारत सोने की चिड़िया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के 50 देशों में गया, बौद्ध धर्म गया, जैन धर्म गया, सनातन धर्म गया। और जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा
तो भारत का धर्म भारत में सिमट गया और विदेशी धर्म भारत में घुस गया। ये इस्लाम भारत में आया वही समय जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। ईसाइयत उस समय आई भारत में जब भारत और ज्यादा कमजोर हुआ। आपका धर्म तो सिमट गया, विदेशी धर्म आप पर हावी हो गया और धीरे 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 हावी होता चला जा रहा है। और वो जो हावी होता चला जा रहा है अब आगे और हावी होने वाला है। एक स्लाइड में आपको और दिखाता हूं। मैं जो आपसे कहा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वेट फ्री, वो प्रोविजन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये नेक्स्ट 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 वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 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 हाँ एक मिनट एक मिनट, ये पीछे वाला प्रीवियस, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। That means value added tension. Value added tax नहीं, value added tension. जो भी वैट भरेगा, अभी सब डायबिटीज का पेशेंट होना उसको 100%, हार्ट अटैक आना 100%, क्योंकि टेंशन जितना ज्यादा बढ़ेगा डायबिटीज और हार्ट अटैक और स्ट्रेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसमें एक स्लाइड छूट गया है, जरा इसके आगे करो, इसके आगे एग्जेम्पशन वाला एक स्लाइड, एग्जेम्पशन फ्रॉम वैट पीछे एग्जेम्पशन जहां आया उसी स्लाइड में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में क्या है, शुरू में तो दिया है सेल बाय ए यूनिट इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने हर राज्य में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, अगर उसमें आपकी यूनिट है और वो कुछ भी बिक्री करती है तो वो वैट फ्री है भाई। हाँ 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आपकी है 100% तो वो वैट फ्री है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आपकी यूनिट है तो वैट फ्री है। सेल बाई ए एलिजिबल यूनिट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन प्रोजेक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देखिए नेक्स्ट लास्ट स्पेसिफाइड डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज क्या होती है, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, अमेरिका का एम्बेसी, ये सब डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज है। ये सभी कुछ भी करेंगे तो बैठ फ्री है, वो ठीक है क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करें तो बैठ फ्री है। लेकिन जो खतरनाक है वो ये एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई देश में बैठ फ्री नहीं है, हमारे यहां और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो शब्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, माने चर्च की सारी एक्टिविटीज वैट फ्री होगी। वैट फ्री होगी माने चर्च के किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई वैट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकेगा। चर्च कुछ भी करे, 18,000 करोड़ मंगाए और भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए बांट दिया होगा, कमिश्नर को मालूम है, आपको भी मालूम है, आप शिकायत करें मैं शिकायत करूं कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वैट फ्री है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनकम है वो भी नेट इनकम का जो टैक्स है वो भी फ्री है। जैसे मैं आपको बताऊं ना अमेरिकन एम्बेसी भारत में, भारत की सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग। कारण क्या है, लाखों वीजा एप्लीकेशन हर साल वहां आते हैं और 90% उसमें रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्शन के बाद वो फीस वापस नहीं करते। आपने जो वीजा एप्लीकेशन फीस भरा है वो कभी वापस नहीं करते। मैंने पिछले साल भारत ये हिसाब जोड़ा था, जितने एप्लीकेशन भारतवासियों ने अमेरिका में वीजा के लिए दिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर, और 2,000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स फ्री इनकम है अमेरिकन एम्बेसी की। अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इनकम अमेरिकन एम्बेसी करती है इस देश को, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए और अमेरिकन एम्बेसी हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती है, हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती है।
हर साल दो साल का फीस भरा देते और जो भी फीस लेते हैं डॉलर्स में लेते हैं, रुपए में स्वीकार नहीं करते। तो आपकी बेशकीमती विदेशी मुद्रा एप्लीकेशन फीस करने में ही हजारों करोड़ रुपए नाश होती है। तो वो पूरी एक्टिविटी इनकम टैक्स फ्री है। अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी वैट फ्री है, माने उनकी ग्रॉस इनकम भी टैक्स फ्री है, नेट इनकम भी टैक्स फ्री है। तो इसका मतलब क्या है, उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री है तो वो अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा उस इनकम का भारत देश में धर्मांतरण में इस्तेमाल करें, मतांतरण में इस्तेमाल करें। आप कुछ नहीं कर सकते उनका, वो करेंगे और आप हाथ पे हाथ धरके बैठ जाएंगे। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इस बैठक का। और आप जानते हैं अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कानकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूं और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूं। शंकराचार्य जी का जो मठ है कानकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है, 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गांवों में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं शंकराचार्य जी, दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है, 5000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने कहा तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18000 करोड़ खर्च हो रहा है, मैं तो उसका एक तिहाई भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है, गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं, उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब कॉपी पेंसिल खाना पीना कपड़े सब देते हैं, फीस भी वही भरते हैं, रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र में और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं, उन हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे आदिवासी हो गए हैं वापस हिंदू बनने को तैयार है, उनकी वो निःशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है, सरकार चाहती है वो सब बंद हो क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े हैं, अब आर पार की लड़ाई हो गई है। तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी उसी दिन से ये षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं, एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ उनको जेल में डालो, चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो, और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन 78 मर्डर किए हैं शिबू सोरेन ने, जिंदा जला दिया 78 मुसलमानों को शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में, सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ, चार्ज प्रूफ हुए, लेकिन आज तक वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठे। और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरे, तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ उसको सुरक्षा दो और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ उनको जेल में भेजो और पूरे देश में बदनामी कराओ, टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ, और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं जैसे स्टार न्यूज पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल है, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विश्व गमन किया, सत्य उसके विपरीत है। शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई,
क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया, और हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हाई कोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है, जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है, सोनिया गांधी चर्च के कंट्रोल में है।